नमस्कार भाइयों, आज हम आईपीटीवी के बारे में जानेंगे कि आईपीटीवी क्या होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आईपीटीवी, जब आप इसे गूगल पर सर्च करोगे तो लिखा आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न। इसका मतलब यह होता है कि इंटरनेट के माध्यम से चलने वाले टेलीविज़न यानी टीवी, और साथ में मोबाइल भी आईपीटीवी के ज़रिए आज चल रहे हैं। और साधारण भाषा में कि जो OTT कंटेंट होते हैं, आप उसका सब्सक्रिप्शन देते हैं, जैसे अमेजॉन प्राइम का अलग, डिज्नी का अलग। आईपीटीवी में क्या होता है कि आप सभी का सब्सक्रिप्शन बल्क में ले सकते हैं, बहुत ही कम दामों में। इसमें आपको लगभग जो जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ के सारे पॉपुलर चैनल आपको मिल जाएंगे, साथ में OTT कंटेंट जो हैं वहाँ के पॉपुलर प्लेटफार्म वो मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही कम दाम में इसमें मिल जाते हैं। तो आईपीटीवी का मतलब आपसे लोगों को बता दिया हूँ। तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो आईपीटीवी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो मैं दो चार एप्लीकेशन के नाम आपसे लोगों को बताना चाहूँगा। आईपीटीवी स्मार्ट प्लेयर, टेलीविजो, आईपीटीवी प्लेयर, 9X स्ट्रीम, आईपीटीवी प्लेयर, XC आईपीटीवी, IM प्लेयर, NXTV, ऐसे बहुत सारे आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो आईपीटीवी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो आईपीटीवी के बारे में आपसे लोग उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमारे पास एक XP आईपीटीवी के नाम से है, उसको हम चलाकर आपसे लोगों को दिखाते हैं किस तरह से चलता है और आप कैसे खरीद सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो भाइयों, अब हम दिखाते हैं आपसे लोगों को कि किस तरह से XP आईपीटीवी चलेगा। आईपीटीवी का ही एक ऐप है XC IPTV, जो हमारे पास है वो आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ऑन करते वक्त इस तरह की साउंड आई, आपको सुनाई दिया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है OTT रन। आप डाउनलोड करोगे गूगल प्ले स्टोर से तो आ जाएगा। तो देखिए, जैसे हम लाइव टीवी करते हैं तो यहाँ से कोई भी हम लाइव टीवी कर दिए तो कॉपीराइट आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा ही दिखाएंगे। तो लाइव टीवी इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। आपके प्रॉपर नेट होना चाहिए क्योंकि ये नेट पे ही चलेगा, सेम टू सेम ऐसे ही टीवी पर चलता है ये। तो ये सारे ऐप देखिए इसमें चल जाएंगे, जैसे इंडियन एंटरटेनमेंट है, इंडियन 4K हैं, अगर आपका फोन 4K सपोर्ट करेगा तो चल जाएगा। इंडियन मूवी जितनी हैं वो चल जाएंगी, क्रिकेट है, क्रिकेट भी चल जाएगा इसमें। कोई सा भी आप स्पोर्ट्स का गेम हो वो देख लो, जो नया हो पुराना हो, और रिसेंट में देख लो कोई चीज़ आपको देखना है। तो मैं चला नहीं रहा इसलिए क्योंकि कॉपीराइट लग सकता है। और अल्ट्रा HD, ये 4K इंटरटेनमेंट पे मैं दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को, या फिर मूवी पे चल के दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा सीन। जैसे देखिए वेब सीरीज पे आना है तो वेब सीरीज पे आप जितने भी प्राइम वीडियो, ये लिखा हुआ है प्राइम वीडियो, यहाँ से आप प्राइम वीडियो की सारी वीडियो देख सकते हैं जितने हैं। तो यहाँ पे फेमस प्राइम वीडियो पे मिर्ज़ापुर है, यहाँ पे मिर्ज़ापुर पड़ा हुआ है, ये देखिए मिर्ज़ापुर। यहाँ से चल जाएगा Season 1, Season 2, Season 3, ये Season 1 स्टार्ट हो जाएगा। अभी लोडिंग में थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 मिनट का। बैक कर देते हैं, Season 3 का थोड़ा सा सीन दिखा देते हैं, लास्ट वाला एक बार चल जाए तो। ये चल पड़ा है और यहाँ से हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं लास्ट वाली सीन पे, शरद वाली पे। देखिए लास्ट सीन चल रही है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, डायरेक्ट वहां पे चलते हैं जहाँ गोलीबारी होती है। तो मिर्ज़ापुर का कोई भी कंटेंट देख सकते हैं, गद्दी पर विराजमान हो तो कॉपीराइट का डर इसलिए नहीं दिखा सकते सारा। बाकी नेटफ्लिक्स वाले देखना चाहो, जो कहते हैं मनी हिस्ट जैसी वेब सीरीज है, MON, ये मनी हिस्ट, ये सारी आ जाएंगे, भोपाल वाली रेलवे मैन के नाम से जो बनी है वो सारी हैं इसमें। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसमें क्लियर नहीं हो पाई कि लीगल ऐप है कि इनलीगल। इसके बारे में जांच पड़ताल करके आप आईपीटीवी का आनंद ले सकते हैं। ना तो मैं इस XC IPTV को प्रमोट कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी अन्य एप्लीकेशन का, बस IPTV के बारे में मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। अगर आप सभी लोगों को समझ आए तो आप सभी लोग इसे यूज करें,
लीगल तौर पे, और मेरे हिसाब से जिस रेट में मुझे दे रहे थे 200-250 रुपये में, उतने में तो नहीं मिलना चाहिए। बाकी अगर मिल रहा है तो इलीगल ही हो सकता है, लीगल तो नहीं लगता मुझे। आप सभी लोग आसानी से यूज कर सकते हैं अगर आपको मिलता है। और अपना उद्देश्य ये नहीं है कि किसी के कंटेंट को पब्लिक करना, वो भी फ्री के तरीके से। ये IPTV लीगल है कि इलीगल, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं इसके बारे में कहूँगा भी नहीं। बाकी आज के टाइम में बहुत सारे लोग इस ऐप को चला रहे हैं, बहुत जगह चल रहा है। हमारे पास भी एक नंबर आया था, वो गूगल पे, उससे मैं नंबर आपको लिंक पे दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उनसे बात करके आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैं इसका प्रमोट नहीं करता, आप सभी लोग स्वयं खरीदें। तो बस इतना ही है IPTV के बारे में। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ऐप के माध्यम चलता है, जैसे हमने ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करके चलाया है, वैसे ही आप TV में इंस्टॉल करके आप Android TV में चला सकते हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट करना और बताना कि कैसा रहा जो हमने आपको बताया। तो फिर मिलेंगे भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।